अगर कोई हत्यारा ये कहे कि मरने वाले का दम घुट रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसकी मौत हो गई, मैंने अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाया, इससे उसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन उसकी मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो सांस नहीं ले पाया। अगर ये थ्योरी आपको दी जाने लगे तो आप कहेंगे कि वो हत्यारा बेहद शातिर है या फिर पागल है जो इस तरह की बात कर रहा है, गला दबाया लेकिन मौत का कारण सांस रुकने को बता रहा है। कुछ ऐसी ही बातें, ऐसे ही तर्क दिए जा रहे हैं। राजस्थान के जालौर के सुराणा गांव में इंद्र मेघवाल की हत्याकांड से जुड़े हुए मामले में अब नए वहां पर थ्योरी गढ़ी जा रही है। सवर्ण मीडिया, मनु मीडिया के सवर्ण पत्रकार अपनी टीम लेकर सुराणा गांव पहुंच रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले रहे हैं और ऐसी खबरें हेडलाइंस के साथ लेकर आ रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सुराणा गांव के सरस्वती विद्या मंदिर के उस स्कूल में कोई मटकी ही नहीं थी, टीचर्स के लिए अलग से कोई मटकी नहीं है और मटकी छूने को लेकर कोई विवाद हुआ ही नहीं और आरोपी टीचर छैल सिंह को एक तरीके की क्लीन चिट दी जा रही है। मीडिया ये दावा कर रहा है कि उस स्कूल में सिर्फ एक पानी की टंकी है और उसी से स्कूल के सारे बच्चे बिना किसी जाति भेद के पानी पीते हैं, यहाँ तक कि जो हेडमास्टर हैं, टीचर हैं, वो सब लोग भी उसी पानी की टंकी से पानी पीते हैं। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि जो आरोप इंद्र मेघवाल के परिवार ने लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, राजनीति से प्रेरित हैं और झूठे हैं, मटकी कनेक्शन सामने नहीं आ रहा। साथ में ये भी कहा जा रहा है, डॉक्टरों के हवाले से तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आज तक, द प्रिंट जैसे मनु मीडिया संस्थानों ने अपने मनुवादी चरित्र के रिपोर्टर्स के हवाले से स्टोरीज की हैं जिसमें कहा गया है कि जो इंद्र मेघवाल है जिसकी मौत हुई वो पहले से ही बीमार था, उसके कान से पस निकलती थी, उसके कान में पहले से ही तकलीफ थी और उसके जो चेहरे पर सूजन आई है वो भी एक बीमारी के कारण ही थी, यानी वो जो छैल सिंह आरोपी है टीचर, उसकी मार मारने से नहीं उसकी मौत हुई बल्कि उसके कुछ अपने ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर बच्चे हैं साथ पढ़ने वाले, उन्होंने बताया कि जब छैल सिंह ने एक थप्पड़ मारा था इंद्र को और एक उसके सहपाठी को, जब वो किसी कॉमिक के कैरेक्टर्स को लेकर लड़ रहे थे, किसी कॉमिक बुक को लेकर लड़ रहे थे, तब टीचर ने हल्के हाथ से दोनों को एक थोड़ा सा थप्पड़ लगाया था और उसके अलावा मारपीट नहीं हुई, ऐसे बयान चलाए जा रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में हम इन सभी आरोपों के सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टंकी की नौटंकी आखिर क्यों हो रही है, किस तरह से मनु मीडिया इस पूरे प्रकरण को झूठा साबित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां और सवर्णों के बयानों के आधार पर सारी बातें बता रहा है। सबसे पहला सवाल कि वहां पर कोई मटकी नहीं मिली, ये कहा जा रहा है मीडिया की तरफ से। सवर्ण पत्रकार बार बार ये कह रहे हैं कि उस स्कूल में हम गए, हमने वहाँ पर रिपोर्ट किया लेकिन हमें स्कूल में ऐसी कोई मटकी मिली ही नहीं, वहाँ कोई मटकी नहीं है। अब सवाल उठता है ये घटना कब की है, 20 जुलाई की ये घटना है जब छैल सिंह जो टीचर है उसने कथित तौर पर इंद्र मेघवाल को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसने उस मटकी से पानी पी लिया था जो सवर्ण छैल सिंह के लिए रखी हुई थी, वो उससे गुस्सा हुआ और उसने इंद्र मेघवाल को पीटा, बाद में जिसकी मौत हो गई। ये वारदात 20 जुलाई की है और वो काफ़ी दिन तक अस्पताल में भर्ती था बच्चा और इलाज के बाद उसकी मौत हो गई, उसे नहीं बचाया जा सका। अब सवाल उठता है 20 जुलाई मौत होने का जो समय है 13 अगस्त 25 दिन बाद और अब जो घटनाक्रम बढ़ रहा है 16 अगस्त 17 अगस्त अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं एक महीने बाद, क्या उस स्कूल में महीने भर की जो ये पूरी की पूरी घटना है उसके बाद क्या उस स्कूल में वो मटकी रखी हुई मिलेगी इन लोगों को, क्या उस मटकी को उस आरोपी टीचर ने, स्कूल के लोगों ने, प्रशासन ने वहीं पर रहने दिया होगा। 20 जुलाई की घटना है, अब आप वहां जाकर मटकी ढूंढ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, आपके पत्रकारिता के सारे के सारी जो स्किल्स हैं वो कूड़े में चली गई हैं, नाली में आपका दिमाग चला गया, आपको शर्म नहीं आती, इतना बुनियादी सा सवाल है।
कि आप इतने महीने भर बाद वहां जाकर मटकी ढूंढेंगे, कोई हत्यारा, कोई आरोपी, कोई ऐसी घटिया मनुवादी जातिवादी मानसिकता का आदमी क्या उस मटकी को वहीं रहने देगा जिसकी वजह से कथित तौर पर पूरा विवाद हुआ है, जिसकी वजह से एक मासूम 9 साल के बच्चे की, इंद्र मेघवाल की, हत्या हो गई, उसको पीट पीट कर मार डाला गया, क्या वो मटकी वहीं मिलेगी? आपको शर्म आनी चाहिए आप जब वहां जाकर कहते हैं कि हमने तो वहां मटकी देखी ही नहीं। अरेश सावर्ण मानसिकता के घटिया पत्रकारों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या तथ्य हैं तुम्हारे पास में, क्या अपनी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म को लेके वहां गए हो, शर्म आनी चाहिए। ये ढूंढो एक महीने बाद क्या वो मटकी वहां मिलेगी, क्या कोई हत्यारा अपना चाकू, अपनी छुरी, अपनी बंदूक, अपने हथियार का जो भी जिससे वो हत्या करता है, क्या एक महीने तक वो वहीं पड़े रहने देगा, वो भी जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जब वो स्कूल बंद नहीं हुआ था, जब वहां प्रशासन ने कोई अपनी कार्रवाई नहीं की थी, तब की बात है, क्या वो यहां रहने देगा? और वो भी मीडिया के सामने, जब मीडिया जा रही है तो क्या वो मटकिया अलग अलग लिख के रख देगा कि हेडमास्टर की है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए सवर्ण मानसिकता के घटिया पत्रकारों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कैसी घटिया हरकत तुम वहां जाकर कर रहे हो, क्या वो मटकिया भी तुम्हें मिलेगी? दूसरी बात, बार बार एक टंकी की नौटंकी की जा रही है। एक टंकी है, पानी की टंकी, बहुत ही कहें कि गंदगी में वो टंकी है, एक कपड़ा उस पर ढका हुआ है और ये दावा किया जा रहा है कि एकमात्र यही पानी का सोर्स है वहाँ पर। इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स भी वहीं पर पानी पीते हैं और टीचर्स भी वहीं पर पानी पीते हैं। अब इसकी पड़ताल हम करते हैं। आप तस्वीर देखिए, इस टंकी को देखिए, इस टंकी की हालत को देखिए और पानी पीने के लिए जो नीचे नल लगाया गया है आप उसकी हाइट को देखिए। मुश्किल से 1 फीट भी हाइट नहीं है। जब छोटी क्लास के बच्चे अगर वहां पर पानी पीते हैं तो उनको भी बाकायदा बैठ के पानी पीना होगा, उनके लिए खड़े होके पानी पीना बहुत मुश्किल है। हाइट बहुत कम है जो उसमें नल लगा हुआ है टंकी में, वहां पर छोटे बच्चों को भी बैठ के पीना पड़ेगा, तो बड़े अगर उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वहां पानी पीना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो टीचर थे, हेडमास्टर थे, क्या वो लोग इसी तरह से बैठकर, लेटकर, नीचे लेटकर अपने मुंह से पानी पीते थे नल से? ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो टीचर जो एक बड़े शरीर के व्यक्ति हैं, कदकाठी है, वो क्या इस नल से पानी पी सकता है? इस नल से पानी पीने के लिए उसको बाकायदा लेटना पड़ेगा, नीचे बैठ के एकदम झुक के अपने मुंह के पास नल को लाके तब उससे, या फिर हाथों में अंजलि में पानी भर के किसी तरह उसको पानी पीना पड़ेगा और उसको पानी पीने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि हाइट बहुत कम है, उसको बहुत तकलीफ होगी। तो क्या ये मुमकिन है कि टीचर्स, हेडमास्टर, आरोपी छैल सिंह इस टंकी से पानी पीता होगा? शर्म नहीं आती आपको वहां देखकर? जब आप इसकी हाइट को देखते होंगे आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि कैसे कोई व्यक्ति, एक भरा पूरा व्यक्ति, इस टंकी से पानी पी सकता है जिसका नल इतनी कम हाइट पर है, जहां मुमकिन ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि टीचर उस टंकी से पानी पीते हों, वहां मुमकिन नहीं है क्योंकि हाइट बहुत कम है। ये सवाल सवर्ण पत्रकारों को पूछना चाहिए, मनुवादी मीडिया के दलाल पत्रकारों को ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं पूछ रहे। इस टंकी से पानी पीना बहुत मुश्किल है। इसके बाद सवाल उठता है कि पानी की टंकी जब इतनी कम हाइट पर उसमें नल लगा हुआ है तो फिर टीचर पानी कैसे पीते थे? हर जगह हमने देखा है, हम जिन गांव देहात में पले बड़े हैं, आप लोग भी पले बड़े होंगे, आपने देखा होगा कि अमूमन गांव के ऐसे स्कूलों में टीचर्स के लिए अलग से पानी का इंतजाम होता है, चाहे वो मयूर जग रखा हो या पानी का मटका रखा हो या फिर केन रखी हो पानी की, अलग अलग इंतजाम होते हैं स्कूल में, टीचर्स के पानी पीने के लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ये सब हमने भी अपने स्कूल में देखा है, आपने भी देखा ही होगा। तो ऐसे में ये कहना कि एक ही टंकी से सब लोग पानी पीते थे, ये सिर्फ बेबुनियाद है। हो सकता है कि छात्रों के लिए वहाँ पर पानी पीने का इंतजाम इसी तरह से बहुत ही बुरी कंडीशन में हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में टीचर कभी भी पानी नहीं पी सकता। मुमकिन है कि वहाँ पर अलग मटकी थी और अलग मटकी पीने के लिए इंतजाम जातिवार किया गया होगा, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन सवर्ण पत्रकार इस बारे में सवाल ही नहीं कर रहे। एक महीने बाद वो वहाँ पर मटकी ढूंढ रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जब ये सवाल वो पूछते हैं तो खुद वहाँ पानी पी कर देखें, खुद ढूंढे। एक महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप एक निर्दोष मासूम बच्चा जो कि आजादी के 75 साल के जश्न के दौरान इस देश में अपनी जाति की वजह से
मौत का शिकार हुआ उसकी अभी उस वो सीख रहा था, अभी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, इस देश दुनिया को समझ रहा था। महज 9 साल की उम्र में आपकी जातिवादी मानसिकता ने उससे मौत के घाट उतार दिया। आपको शर्म आनी चाहिए, आप उसे झूठा करार दे रहे हैं। आप एक आरोपी टीचर के समर्थन में इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इसके बाद सवाल उठता है कि जो उसके सहपाठी हैं इंद्र मेघवाल के, उसके हवाले से कुछ रिपोर्ट दी गई हैं। ये कहा गया कि किसी कॉमिक बुक के कैरेक्टर को लेकर लड़ाई हुई थी, टीचर ने बहुत आराम से थप्पड़ लगाए थे दोनों छात्रों को, और उसके बाद से वो इंद्र मेघवाल स्कूल में नहीं आया, और उसके बाद फिर उसकी मौत की खबर आती है। मीडिया ये दावा कर रहा है। बच्चे के हवाले से खबर है, बच्चे सहकर्मी से पूछा गया है, वो बता रहा है सहपाठी इस बारे में, उसका बयान है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर इतना हल्का थप्पड़ लगाया था, इतनी हल्की सी थप्पड़ थी उसको, तो उस बच्चे के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो कैसे आ गए? उसकी जो सूजी हुई आँख है, उसकी जो बदहवास हालत है, वो बोल नहीं पा रहा, वो सिसक रहा है, परिवार वाले उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर इतने हल्के हाथ का थप्पड़ लगाया था तो बच्चे के साथ ऐसा क्या हो गया? उसका शरीर ऐसे नीला क्यों पड़ गया? क्यों उसका शरीर ऐसा सूज गया? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? इसके बारे में आप सवाल क्यों नहीं कर रहे? उसके शरीर के जो चोट है उसको देख के आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप इंद्र के क्लासमेट के हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि लड़ाई मचकी को लेकर नहीं हुई थी, फिर इंद्र का जो बड़ा भाई है जो वहाँ पढ़ता है उसी स्कूल में, उसने ये बयान क्यों दिया कि टीचर ने बहुत बुरी तरह से थप्पड़ मारे थे, इस वजह से भाई की तबीयत खराब हो गई? छोटा बच्चा है, वो भी उसी स्कूल में जाता है, वो जान रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है? आप अगर उस क्लास के बच्चे की बात कुछ सही बता रहे हो, तो उसके सगे भाई जो उसी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, वो उसकी बात को आप झूठ कैसे बोल सकते हो? आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि वो बच्चा भला झूठ क्यों बोल रहा है जो कह रहा है कि उसके भाई को चोट आई है क्योंकि टीचर ने बहुत बुरी तरह से पीटा था, उसने मटकी से पानी पी लिया था, उसके बाद टीचर ने छैल सिंह ने गुस्से में उसको बहुत बुरी तरह पीटा और उसकी तबीयत खराब हो गई। ये उसका इंद्र का बड़ा भाई जो उसी स्कूल में पढ़ता है वो ये बात बोल रहा है। और क्या ऐसा स्कूलों में इतने दिन बाद बच्चों को इस तरह से बरगला के, उनके साथ इस तरह की कहें कि डरा धमका के, परिवारों को डरा धमका के इस तरह की झूठी बयानबाजी नहीं कराई जा सकती? ये भी सवाल खड़ा होता है, आपको सोचना ही होगा। द प्रिंट ने, आज तक ने एक स्टोरी की है, दैनिक भास्कर की जो सवर्ण महिला रिपोर्टर है उन्होंने स्टोरी की है, उसमें कहा गया है कि जो बच्चे के शरीर पर चोट के निशान थे वो दरअसल एक बीमारी है। उसको बच्चे को पहले से ही कान में पस था, उसको कान की बीमारी थी, वो रुई डाल के स्कूल में आता था, और उसके जो आंख पे सूजन आई है वो भी कोई एक बीमारी का नाम वो ले रहे हैं और कह रहे हैं उसकी वजह से बच्चे के आंख पे वो सूजन आ गई है, मारने की वजह से नहीं हुआ। पहला सवाल सीधा सा, अगर बच्चे के शरीर में इस तरह की शारीरिक तौर पे चुनौती थी, वो बीमार था, उसके कान में इस तरह की बीमारी थी, तो क्या जब वो रुई डालकर जा रहा था, रोज़ स्कूल में जा रहा था, तो क्या स्कूल के टीचर को ये नहीं पता था कि ये बच्चा बीमार है? सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या उसको नहीं पता था कि बच्चे के कान में तकलीफ है? उसको नहीं पता थी ये बात? और अगर नहीं पता थी तो क्या परिवार ने बताया था? परिवार कह रहा कि जानते हैं वो लोग। तो फिर परिवार के बताने के बाद बच्चे की अगर वो हालत थी, वो रोई डालकर जा रहा था, तो टीचर ने फिर उसको मारा क्यों? ये सवाल क्या पूछा नहीं जाना चाहिए कि जो बच्चा पहले से बीमार था, अगर उसके कान में ये तकलीफ थी, तो उसको इतनी जोर से क्यों मारा? क्यों उसके साथ मारपीट की गई? अगर वो फिर कोई बच्चे आपस में लड़ रहे थे, किसी कॉमिक कैरेक्टर को लेके कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, तो एक टीचर को इतनी बेरहमी से उस पर हाथ क्यों उठाना चाहिए था? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे उस सवर्ण टीचर से कि उसने उस बच्चे को, अगर वो बीमार था तो क्यों मारा? वो शरीर पे जो निशान है, वो जो चोट है, जो वो बदहवासी है, उसके बारे में आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? अगर वो बच्चा बीमार था,
कई मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, कुछ रिपोर्टर ये कह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही है कि बच्चे को जितना पिटाई हुई है तो ये भी मुमकिन है कि बच्चे को ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुँची है, अंदरूनी कुछ उसमें खून बहा है, उसके दिमाग पर चोट मारी है, सिर पर चोट मारी है, जिसकी वजह से वो बदहवास हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ हिल नहीं पा रहा था, उसके दिमाग पर ऐसी चोट मारी है। तो ऐसे टीचर की इतनी हल्की मार से, इतनी छोटे से थप्पड़ से क्या एक बच्चे के साथ इतना कुछ हो जाएगा, इतनी उसको तकलीफ हो जाएगी, उसका शरीर इस तरह से बदहवास हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, सूज जाएगा? आपको शर्म क्यों नहीं आती? मनु की औलादो, पत्रकारिता की पढ़ाई जब आप अपने किसी मीडिया संस्थान में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, क्या सिखाया था आप लोगों से? सवाल कीजिए। 5W1H सीखा था कि नहीं था? सवाल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जायज सवाल करना कुछ सीखा था आपने वहां पर? घटिया लोगों, मनु की औलादों, आपको शर्म क्यों नहीं आती? आप एक मासूम बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी को जायज ठहरा रहे हो, कह रहे हो कि टीचर ने मारा नहीं, बहुत हल्के हाथ से टच किया था, उसके शरीर में इतनी नुकसान कैसे हो गया, उसका दिमाग इस तरह से सुन कैसे पड़ गया? 25 दिन वो बच्चा जिंदगी की जंग लड़ता रहा, उदयपुर में अहमदाबाद उसको ले जाए, उदयपुर में इलाज नहीं हुआ तो अहमदाबाद गए, वहां इलाज करा रहे थे, 25 दिन परिवार कैसे तड़पा होगा, क्या क्या उन्होंने सहा होगा, ये आपको सोचना चाहिए। जरा अपने अंदर की अंतरात्मा को झकझोरिए, पूछिए आप किस तरह की घटिया पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको कितनी शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, आप जातिवादी लोगों के साथ में खड़े हो। बार बार कुछ लोगों का हवाला दे रही है मीडिया, कह रही है कि गांव के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ जातिवाद नहीं होता, गांव की सर्व समाज की पंचायतें ये कह रही हैं कि जातिवाद नहीं होता, अम्बेडकरवादी जो संगठन है, जो दलित संगठन है, वो माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के बयान मीडिया वाले दिखा रहे हैं उनके नाम पढ़िए, उनके सरनेम पढ़िए, सवर्ण लोगों के आप सारे बयान दिखा रहे हैं। आप वहां जाके, एक सवर्ण पत्रकार जाता है, सवर्ण पत्रकार सवर्ण मोहल्ले में सवर्ण लोगों से सवाल करता है, सवर्ण एडिटर के पास भेजता है, सवर्ण एडिटर उसमें काट छाट करके छाप देता है। सवर्णों की जनेऊ लीला चल रही है, सवर्ण लीला चल रही है, जो अपने हिसाब से चीजें बता रही है, उनके बयान देके किन लोगों से बात कर रहे हैं? क्या जिन सर्व समाज के लोगों की बात आप कर रहे हैं आप उनकी जाति क्यों नहीं बता रहे? क्या उसमें कोई भी दलित SC ST OBC जाति का व्यक्ति शामिल है? ये सवाल आपका जरूर बनता है, पूछिए, आप हमको जवाब दीजिए। क्या उन पंचायतों में क्या कोई दलित SC ST OBC समाज की जाति का प्रतिनिधित्व है जिनके हवाले से आप बयान दे रहे हैं, जिनके हवाले से आप ये कह रहे हैं कि सर्व समाज कह रहा है कि जाति भेद नहीं होता? आप सवर्णों की बयान को ही आगे रख रहे हैं, जो दलित पीड़ित परिवार वहां इतनी बुरी स्थिति में है, उन पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पट्टियां बंधी हुई हैं, अपने बच्चे की लाश को लेके वो तड़प रहे थे, जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया, घेर के रखा हुआ है, छावनी बना दी, सवर्णों का दबाव है, प्रशासन का दबाव है, आप उस परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, सवर्णों की बात को आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, उनके हवाले से आप बात कर रहे हैं, हम कैसे आपकी बातों पर यकीन करें, हम कैसे मान लें कि आप जो हैं वो सही बात कर रहे हैं? आप दरअसल झूठी बातें बोल रहे हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो आप राजस्थान के किसी और स्कूल में, आसपास के स्कूल में जाइए अपनी टीम लेकर और देखिए क्या वहां पानी की टंकी के अलावा टीचर्स के लिए अलग मटके रखे हैं या नहीं। एक स्कूल ढूंढ कर आप हमें बता दीजिए जहां टीचर और जो छात्र हैं वो उसी टंकी से पानी पीते हों और ऐसा हाल हो, आप हमें ढूंढ कर दिखा दीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हमने आपको देखा जब आप कछुआ गैंगरेप पर कह रहे थे कि वहां तो रेप हुआ ही नहीं, दैनिक जागरण की हेडलाइन हम सब ने देखी, बाद में झूठा साबित हुआ। हमने देखा हाथरस में आपने क्या छापा था, माँ और भाई ने बच्ची को मारा था, उसके साथ तो रेप हुआ ही नहीं, बाद में CBI ने क्या कहा, यूपी पुलिस ने बोला था रेप नहीं हुआ, CBI की रिपोर्ट में क्या सामने आया, गैंग रेप हुआ है, यौन हिंसा हुई है, बच्ची के साथ जानलेवा हमला हुआ है, CBI की रिपोर्ट आई सामने, दोषी साबित हुए। हम कैसे यकीन कर लें आपकी मीडिया की इस घटिया रिपोर्ट पर? आप अपने हिसाब से चीजें गढ़ रहे हैं, इतने दिनों तक आपको क्यों याद नहीं आई कि बच्चे के साथ, आपके आजादी के जश्न के 75वें साल में एक दलित बच्चे के साथ इतनी हैवानियत हुई है, तब आप वहां जाकर कुछ नहीं बोले, तब आपको वहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई?
आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं कि राजस्थान में किस तरह से मूछें रखने पर एक दलित को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहन ले, मोबाइल ले ले, बाइक चला ले, उस पर मार दिया जाता है, और आप फिर सारे के सारे सवर्ण जो पत्रकार हैं वो गिरोह बनाकर अपनी जाति के लोगों का बचाव करने के लिए उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं कि ये तो झूठा मामला है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें तो जाति का एंगल ही नहीं है। ये वैसा ही सवाल है जब कोई हत्यारा कह रहा है कि मैंने गला दबाया तो ज़रूर था दोनों हाथों से, लेकिन इसलिए उसकी मौत नहीं हुई, वो इसलिए मर गया क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। आपको शर्म आनी चाहिए सवर्ण मानसिकता के घटिया पत्रकारों, ऐसी आप घटिया पत्रकारिता करेंगे और एक मासूम बच्चे के खिलाफ कैंपेन करेंगे परिवार को बदनाम करने का, उसके खिलाफ एजेंडा चलाएंगे, SC ST एक्ट के खिलाफ माहौल बनाएंगे और उनके लिए कैंपेन करेंगे जिनकी जाति से आप संबंध रखते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए आपको भंवर मेघवंशी की फेसबुक पोस्ट के कुछ हिस्से में आपको पढ़ाऊंगा। भंवर मेघवंशी जाने माने लेखक हैं और राजस्थान के ही रहने वाले हैं। उन्होंने इस मामले पर एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, वो पढ़िए। वो लिखते हैं, शिक्षक के गिरफ्तार होते ही शिक्षक की जाति के लोग संगठित और सक्रिय हुए और उन्होंने ये कहते हुए कि पानी की मटकी छूने और मारपीट करने की बात झूठ है, आरोपी का बचाव करते हुए बेहद सुनियोजित और व्यवस्थित काउंटर नैरेटिव सेट किया गया और पूरा जातिवादी इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। सोशल मीडिया पर जातिवादी संगठन लिख रहे हैं कि उस विद्यालय में कोई मटकी थी ही नहीं, सब लोग पानी टंकी से पीते थे, पानी की बात, मटकी की बात, छुआछूत की बात और यहाँ तक कि मारपीट की बात भी सच नहीं है, लड़का पहले से ही बीमार था, बच्चे आपस में झगड़े होंगे जिससे लग गई होगी। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में भयंकर जातिवाद है और जालौर में तो विशेष तौर पर बेहद घिनौना छुआछूत है और भेदभाव और अन्याय अत्याचार है, वहां पानी की मटकी और शिक्षा में भेदभाव के मामले संभव हैं, इसकी गहन जांच हो और मिड डे मील, आंगनबाड़ी, पोषाहार और नरेगा में पानी पिलाने में नियुक्त लोगों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाए, जिले के तमाम सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का एक जातिगत भेदभाव का सर्वे किया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन सा सौहार्द और क्या भाईचारा और वहां दलित स्टूडेंट्स की क्या हालत है। तो भंवर मेघवंशी इस पोस्ट के जरिए उस ओर इशारा कर रहे हैं कि कैसे वहां सवर्ण मानसिकता, जातिवादी मानसिकता के लोग संगठित तरीके से इस पूरे मामले को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्राह्मणवादी मीडिया, मनु मीडिया इस नैरेटिव में उनका पूरा साथ दे रहा है। एक सवाल उठता है, बहुत ज़रूरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि टीचर ने नहीं मारा, आप कह रहे हैं टीचर ने उसको पानी पीने की वजह से नहीं मारा, उसको जोर से नहीं मारा, तो सवाल का जवाब दीजिए सवर्ण मीडिया के मनुवादी पत्रकारों, क्या 9 साल के मासूम बच्चे ने खुद की जान ले ली, क्या उसने खुद सुसाइड कर लिया, क्या उसने खुद अपना सर जो है दीवार पर दे मारा था, क्या वो खुद किसी बड़ी इमारत की छत से कूद गया, क्या उसने खुद डंडा लेकर अपने आप को पीट लिया और उसके शरीर पर इतनी चोट के निशान आए और वो मारा गया बाद में, क्या उसने खुद अपनी जान ले ली उस मासूम ने? आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए घटिया जातिवादी पत्रकारों, आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्या उस मासूम बच्चे ने खुद की जान ले ली? आप जिस टीचर के हवाले से दावा कर रहे हैं ना कि उसने नहीं मारा, उसका एक ऑडियो सुनिए, फोन कॉल किया इंद्र मेघवाल के पिता को, उस ऑडियो में, उस फोन कॉल में वो घटिया जातिवादी टीचर आरोपी छैल सिंह खुद कह रहा है, खुद मान रहा है कि मेरे से गलती हो गई, गलती से मैंने मार दिया, मैं इलाज करवा दूंगा। सुनो इस ऑडियो को। इस ऑडियो में आपने सुना साफ साफ छैल सिंह कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई, गलती से लग गई, मैं इलाज करवा दूंगा, और पीड़ित बच्चे का पिता क्या कह रहा है, कैसे मार दिया, मेरे बच्चे की शरीर में हरकत नहीं है, क्या करूं मैं? आप उसकी लाचारी समझिए, और इस आरोपी ने अगर ऐसा किया नहीं था तो ये कबूल क्यों कर रहा है, ये क्यों ऑडियो में कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई? और एक और बड़ी बात निकल कर आई है, एक जानकारी मिली है कि जब बच्चा अस्पताल में था 25 दिन उसका इलाज कराने के लिए परिवार दर दर भटक रहा था, पहले जयपुर गए, फिर उदयपुर गए, फिर वहाँ से अहमदाबाद गए, उस दौरान परिवार को डरा धमका के, क्योंकि इलाज के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, वहाँ की जो सवर्ण गुट हैं, जातिवादी संगठन हैं, उन्होंने मिलके इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए 1.5 लाख रुपये में सौदा तय किया, परिवार को कहा कि बच्चे का इलाज कराओ,
1.5 लाख रुपए लो, मुंह बंद रखो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है, अगर टीचर ने नहीं मारा, पानी की टंकी का मसला नहीं है, कोई ऐसा विवाद हुआ ही नहीं, तो फिर 1.5 लाख रुपए देने की जरूरत क्या थी? क्यों दिया, क्यों सौदा किया, क्यों फोन ऑडियो कॉल में उसने कबूल किया कि मेरे से गलती हो गई? आपको शर्म क्यों नहीं आती मनु की औलादो? इतनी घटिया मानसिकता के लोगों, तुमको शर्म क्यों नहीं आती? वो इतने सारे सबूत होने के बाद भी वो खुद कबूल कर रहा है, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि क्यों तुमने बोला कि मेरे से गलती हो गई, मैं इलाज करवा दूंगा, मुझे अब मैं क्या करूं? क्यों नहीं पूछा तुमने? तुमने क्यों नहीं पूछा 1.5 लाख रुपए क्यों दे रहे थे, सौदा क्यों कर रहे थे? अगर तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, झूठा अगर तुम पर आरोप था, तो तुमने ऐसा काम क्यों किया? ये सवाल खड़ा होता है। मनु की औलादों, घटिया नीच पत्रकारों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे घटिया लोगों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिमंडल ने फेसबुक पर एक बेहद संजीदा और सटीक टिप्पणी की है, वो भी पढ़िए। दिलीप मंडल लिखते हैं, ब्राह्मण नियंत्रित मनुवादी मीडिया इतना नीच है कि कह रहा है कि जालौर के स्कूल में स्कूल का मालिक इस टंकी से पानी पीता है। सरस्वती विद्या मंदिर में मटका है ही नहीं। जालौर राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, इस साल तापमान 47 डिग्री तक गया, स्कूल का मालिक यहां से पानी पीता होगा। लेकिन जो सवाल दिलीप मंडल उठा रहे हैं, वो सवाल पूछने की हिम्मत मनु के जो औलाद हैं, मनुवादी पत्रकार हैं, उनके उनमें नहीं है। वो ऐसे सवाल नहीं कर सकते। वो अपनी रैशनैलिटी को ताक पर रखकर अपनी जातिवादी कुंठा जनेऊ कनेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सवर्ण मीडिया सवर्णों का साथ देते हुए इस पूरे मामले को झूठा करार दे रहा है। आपको सोचना होगा ऐसी घटिया मीडिया को क्यों पढ़ें, क्यों उसके लिए अपना पैसा खर्च करें, क्यों ऐसे अखबारों को खरीदें, क्यों ऐसे टीवी चैनलों को देखें, क्यों ऐसी वेबसाइट को पढ़ें। इनका पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। बहुजन मीडिया को आगे बढ़ाइए। बहुजन मीडिया आपका अपना मीडिया है, ऐसे घटिया लोगों पर बिल्कुल यकीन ना करें। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, अपनी राय जरूर लिखें, इंद्र के लिए आवाज़ उठाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मामले को और ज़्यादा संजीदा तरीके से लेके आएं, लोगों को बताएं कि हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी किन हालातों से गुजर रहे हैं और कैसे घटिया जातिवादी मीडिया के लोग विक्टिम को ही झूठा, ब्लेम द विक्टिम का गेम खेल रहे हैं, पीड़ित को ही झूठा करार देके अपनी जाति के लोगों का साथ दे रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे अपील है कि वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।